आज की हमारी इस ऑनलाइन में हम एडवांस एक्सेल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि हमारी फॉर्मूली जो है मैथमेटिकल फॉर्मूले खत्म होके स्टैटिकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आज आगे के टॉपिक करने से पहले हम डिस्कस कर रहे हैं एक क्वेश्चंस के ऊपर। बेसिकली हमें महाराष्ट्र से वागीश शिंदे जी हैं, उन्होंने कॉल किए हैं, शिव थे, सॉरी नाम गलत पड़ गया, इस तरह के नाम पढ़ लीजिए। तो उनके पास ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला में ये एरर दे रहा है, दिख रहा है आपको। अब उनका कहना क्या है बता देता हूँ आपको। उनके पास डेटा अलग, उन्होंने डेटा भेजा था, बताया था, उस हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे अटेंडेंस है और यहाँ पे बेसिक है, राइट। और मुझे यहाँ पे पीएफ कैलकुलेट करना, और यहाँ पे मेरा अटेंडेंस है जैसे कि 20 से लेके 31 दिन की सैलरी का अटेंडेंस है यहाँ, राइट। और यहाँ पे बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 10,000 से लेके 25,000 तक की सैलरी है। प्रॉब्लम ये है कि उनको यहाँ पे पीएफ कैलकुलेट करना है, तो कंडीशन ये है कि अगर लेस देन 1500 हुआ, लेस देन 1500 हुआ, तो उनको 1800 पीएफ देना है सिंपल। ओके, 1500 माफ कीजिए, 15,000। और ग्रेटर देन 15,000 हुआ, ग्रेटर देन 15,000 हुआ तो जो सैलरी है उसका 12% हमें देना है, समझ गया? सर ये उल्टा होगा, अगर लेस देन 15,000 नहीं, इनका यही, इनका है तो यही, जितना सैलरी है उसका 12% और ग्रेटर है। नहीं, यहाँ पर उन्होंने दे रखा है ना, जैसे में ग्रेटर देन 15,000, जैन से में मल्टीप्लाई बाय 12%, लेस देन पे 1800 है, यहाँ पे उसमें कुछ उल्टा है, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन प्रॉब्लम है जो ये बेसिक सैलरी है, ये बेसिक सैलरी टोटल महीने की है, मतलब कि डेज का है, मंथ का डेज का। जैसे कि अगर हम डेट डालते हैं, सैलरी निकाल रहे हैं, मान लीजिए कि अप्रैल का, तो मुझे यहाँ पे डे फॉर्मूला में ईओ मंथ का फॉर्मूला लगाना होगा और बताना होगा इस महीने में नंबर ऑफ डेज 30 थे। तो पहले कैलकुलेट करना है हमें पर डे का फॉर्मूला, पर डे ये होता है ट्रॉलिंग में। तो कैसे करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 से, राइट। हमने इसको फ्रीज नहीं किया था, और किसको, B1 को, इसमें वैल्यू एरर आ रहा था, आ गया पर डे आ गया। पर डे को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ अटेंडेंस, तो ये मुझे यहाँ पे इसकी सैलरी पता चल जाएगी कि सैलरी है आखिर बनी कितनी है। अब यहाँ पे कंडीशन होगा कि अगर ए इज लेस देन इक्वल टू 15,000 या तो इसका 12%, या भी वो एग्जैक्ट जितना बेसिक है उसी का 12% करते हैं, अटेंडेंस नहीं है तो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अदरवाइज अब यहां पे जो आपका दिख रहा है 1800 आपको दिख रहा है ना, 1800 भी देना है तो उसके डेज का 30 दिन का है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 1800 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई डेट नंबर ऑफ अटेंडेंस। ओके, तो इसमें हमने यहां पे सेकेंड इफ लगाना, इन्होंने यहां पे सेकेंड इफ लगाया हुआ, हालांकि सेकेंड इफ की जरूरत यहां पे नहीं है, और इन्होंने एंड लगा रखा है तो एंड की भी जरूरत नहीं है, तो हमने एक ही इफ से यहां पे काम चला लिया। नीचे ड्रैग करने से पहले जो हमने यहाँ पे बी
वन दिया हुआ है इसको फ्रीज कर देते हैं और यहाँ इनका पीएफ कैलकुलेट होके आ जाता है। यहाँ पे 1800 के ओके ओके मैं उल्टा सर इसमें कंडीशन गलत हो गई, उल्टा कंडीशन कर दिया हमने, अब सही है। और ये 12 नहीं है, इसमें 12% आएगा, ये हमारा सैलरी कैलकुलेट हो गया, राइट। यहाँ पे अब ये बताइए कि इन्होंने यहाँ पे गलती क्या किया हुआ है। सबसे पहला गलती इनका ये है कि उन्होंने एंड लगाया, एंड मल्टीपल कंडीशन के लिए होता है ना, तो यहाँ सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ पे एंड लगाया। दूसरी चीज इन्होंने दो इफ लगाए हैं, लेकिन एक इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया है ब्रैकेट क्लोज करके पहले वाले इफ को कंप्लीट कर दिया है, देन उन्होंने दूसरा इफ लगाया, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं, समझे। तो ये एग्जांपल आपके सामने रखने का यही पर्पस था कि आप समझ लें कि आखिर किस तरह की गलती हम ऑफिस में करते हैं, राइट सर। अब यहां पे देखिए इन्होंने 1800 डिवाइड बाय ए और मल्टीप्लाई बाय 7 किया है, किया ना सर, और ये इन्होंने यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट बहुत ज्यादा गलती किया है, ब्रैकेट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ओके सर। इस तरह की गलती आप मत कीजिएगा। तो ये मल्टीप्लाई क्यों लगा हम आपको चलिए बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने फॉर्मूला लगाया सम का, लगाया और ब्रैकेट क्लोज करके वापस एक और सम का फॉर्मूला आप लगा देते हैं, बीच में कुछ ऐसा नहीं देते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो मल्टीप्लाई ऐड कर देता है। मैथ तो आप किसी सेल में एक फॉर्म एक से ज्यादा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कोई मेन फॉर्मूले के अंदर में ही सारा फॉर्मूला हो, दो अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं तो उसके बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर इसके मल्टीप्लाई सब या कुछ होना चाहिए, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई ले लेता है। मल्टीप्लाई क्यों लिया, कारण बताइए, प्लस क्यों नहीं लिया, डिवाइड क्यों नहीं लिया, माइनस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों लिया, सब वो ब्रैकेट हो गया ना उसमें, ब्रैकेट ब्रैकेट से, क्योंकि मैथमेटिक्स में ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सीखते समय मैथमेटिक्स का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कॉल कर लेंगे, उनके पास मेरा नंबर है।